मुजफ्फरपुर की लीची, आपने जितना डांस किया मुझे अच्छा लगा, लेकिन मुझे आपसे उम्मीदें ज्यादा हैं। जिंदगी कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, हर कदम पर इम्तिहान लेती है, लेकिन पास वही होता है जिनके हौसलों में उड़ान होती है। कुछ कर दिखावे के उहे हौसला के नाम है एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर और एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक, प्रेजेंटेड बाय ब्रिज फार्म गुगली बिस्कुट, थोड़े से मन ना भरे बांटने को जीना करे। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ, पावर्ड बाय कोलगेट, कोलगेट डेंटल क्रीम नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट, को पावर्ड बाय बजाज आलमंड ड्रॉप, बाल मजबूत तो आप खूबसूरत। रउआ सबके विनय आनंद के नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत बा। नया हफ्ता में नया बात, नया सौगात के साथ लेके चार को नया मेम साहब हम एक बार फिर से हाजिर बानी। लेकिन मेम साहब के चेहरा से घूंघट हटावे से पहले आई उनकर दर्शन कर लेवल जाओ, जिनकर एक झलक पावे खातिर हर कोई बेकरार रहेला, एगो नूर बाड़ी तो दूसरा हूर बाड़ी। जोरदार तालियों से स्वागत करी अपन जजेस रश्मि देसाई जी और मधु शर्मा जी के। बिग मेम साहब सीजन 7 के हफ्ता के शुरुआत कल मुजफ्फरपुर और धनबाद के ऑडिशन से शुरू हो चुकल बा। तो चली मिल लेवल जाए शाही लीची के शहर मुजफ्फरपुर की रसेली और कोयला राजधानी धनबाद की हीरा जैसन चमकत मेम साहब से। जोरदार तालियों से स्वागत करी मुजफ्फरपुर के सुरमिला राय जी के, अंतरा चौहान जी के। यहाँ की कंटेस्टेंट कहाँ है? सर मैं यहाँ हूँ। आपका स्वागत है, लेकिन आप पॉडियम में नहीं है, आप
जी मैं आपके लिए, रश्मि मैम के लिए, मधु मैम के लिए लीची लेकर आई हूँ मुंह मीठा कराने के लिए, क्योंकि मिठाइयों से तो सब मुंह मीठा कराते हैं, मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ। जहाँ इतनी मीठी लीची हो वहाँ के लोग कितने संस्कारी होंगे, कितने प्यारे होंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने लीची खिलाई। जोरदार तालियों से स्वागत करिए धनबाद के नंदिनी शर्मा जी के, सीमा सिंह जी के। सुरमिला जी, आपको इस मंच पे आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, लग रहा है मैं सपना देख रही हूँ, यकीन नहीं हो रहा है मुझे इतना बड़ा मंच मिला खड़ा होने के लिए और मुझे अपना टैलेंट दिखाने के लिए। हमारी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। अंतरा जी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अपने आप में बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि यहाँ तक पहुँची मैं और आशा रखती हूँ कि आगे भी जाऊँ। नंदिनी जी, जी सर बहुत खुश हूँ और थैंक्स कहती हूँ बिग मेम साहब, बिग गंगा टीवी को, जो मुझ में टैलेंट है उनको निखारने के लिए स्टेज दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। जी सीमा जी, क्या रीजन था आपका मेन इस मंच को चुनने का? मैं गांव की गृहिणियों को ये बताना चाहती हूँ कि हमारी लाइफ सिर्फ किचन तक ही सीमित नहीं है, जो अपने अंदर टैलेंट है बाहर दिखाओ और बताओ कि हम भी कुछ कर सकते हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात है। जोरदार तालियां हमारी चारों मेम साहब के लिए। शुरू करल जाए अपनी हफ्ता के शुरुआत, वो राउंड के नाम है बोल बेबी बोल। बोल बेबी बोल स्पॉन्सर्ड बाय बिस्फाम गुगली बिस्कुट। थोड़े से मन्ना भरे बांटने को जी ना करे, हम आप सभी लोग के बता देता नहीं कि ई राउंड में बारी बारी से चारों मेम साहब के ई बाउल से एक पर्चा एमए से निकाले के बा और एमए लिखल होई 1 2 3 4। जिसका भी नंबर 1 2 3 4 होगा, तो जैसे मान लीजिए कि एक मेम साहब का नंबर 1 है, तो हमारे एलईडी पर चार बच्चे आएंगे, तो सबसे पहले आपको मौका मिलेगा उनमें से किसी एक बच्चे को चुनने का। तो आइए मिल लेते हैं हमारे उन प्यारे प्यारे चार बच्चों से। हेलो, मेरा नाम दिव्यांशु है, मैं क्लास 3 में पढ़ता हूँ। हाय आंटी, मेरा नाम स्वीटी है, मैं UKG में पढ़ती हूँ। हेलो, मेरा नाम है सुशांत सिंह। हेलो, मेरा नाम है विशिका सिंह। तो आप लोग चारों पर्चा खोल के देखिए कि सबसे पहला नंबर किसको आया है। तो सुरमिला जी, किसका सिलेक्शन करना चाहेंगे आप? सुशांत सर। जी सुशांत जी, सवाल पूछे प्लीज। मेरा सवाल है, काशी विश्वनाथ जी का मंदिर किस नदी के किनारे है? किस नदी के किनारे है काशी? काशी विश्वनाथ जी का मंदिर, समय समाप्त। जान लेते हैं अपने बच्चे से कि सही जवाब क्या है। सही जवाब है गंगा नदी के किनारे। तो दूसर नंबर केकर पास है। जी अंतरा जी, जी हमारे चार बच्चों में से एक बच्चे का सिलेक्शन करिए। स्वीटी, स्वीटी जी प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन पूछ लीजिए। मेरा सवाल है, देश का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। कमल, स्वीटी जी आंसर बता दीजिए प्लीज। सही जवाब है कमल फूल। तीसरा नंबर किसके पास है? नंदिनी जी, तो सिलेक्शन कर लीजिए। विशिका, विशिका जी प्लीज पधारी और अपन सवाल के पूछी। मेरा सवाल है, नेहरू जी का मनपसंद फूल कौन सा था? गुलाब का फूल। पक्का? पक्का जी, उत्तर भी बता दी। गुलाब का फूल, सही जवाब। और अब बची हैं सीमा जी, आपको सवाल पूछेंगे दिव्यांशु जी। तो दिव्यांशु जी प्लीज पूछिए अपना सवाल। मेरा सवाल है, महिषासुर का वध किसने किया था? दुर्गा जी ने। दुर्गा जी ने, दादाजी कृपया बता दीजिए सही आंसर। सही जवाब है माँ दुर्गा। सही जवाब। हमनी के ई राउंड के स्पॉन्सर बाड़न बिस्फाम गोगली बिस्कुट, जेकरा बारे में ई कहल जाला कि थोड़े से मन ना भरे बांटने को जी ना करे, तो सिर्फ चार सवाल से हमार मन कैसे भर सकेला जी। तो हम आपसे पूछा एगो सवाल और अगर आपके सवाल मालूम है तो ही बजर दबाइया। पटना का पुराना नाम क्या है?
जी नंदिनी जी? पाटलिपुत्र। सही जवाब। और आपको बिस फार्म गुगली बिस्कुट की तरफ से मिलता है शानदार गिफ्ट हैम्पर। यही के साथ बोल बेबी बोल राउंड आईजे खत्म हो गए। फिलहाल वक्त बा एक छोटा सा ब्रेक के। ब्रेक के बाद देखल जाए मुजफ्फरपुर और धनबाद के मेम साहब के खेल के निराला अंदाज। तो देखत रही एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार प्रेजेंटेड बाय बिस फार्म गुगली बिस्कुट को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स पावर्ड बाय कोलगेट को पावर्ड बाय बजाज एलमंड ड्रॉप्स। एक बार फिर से आप सभी लोग के स्वागत बा रहुआ देख रहल बानी एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार प्रेजेंटेड बाय बिस फार्म गुगली बिस्कुट को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स पावर्ड बाय कोलगेट को पावर्ड बाय बजाज एलमंड ड्रॉप। और अब बारी बा आपन ऊ राउंड के जेकर खेल मेम साहब के उनकर बचपन याद दिलावेला। ऊ राउंड के नाम है एक्सपर्ट खिलाड़ी। एक्सपर्ट खिलाड़ी स्पॉन्सर्ड बाय एक्सपर्ट डिश वॉश बार बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। तो हम आप लोग के बतावे के चाहता नहीं कि राउंड में एक मेम साहब के आंख पर पट्टी बंदल रही उनका के बॉल उठा के दूसरा मेम साहब के तरफ उछाले के बाद दूसरा तरफ खड़ा मेम साहब के दो अलग अलग जगह पर खड़ा होके वो बॉल के बास्केट में रोके के बाद मेम साहब की जगह कब कब बदली ये हम बताए। एक मिनट में जवन जोड़ी जितना ज्यादा से ज्यादा बॉल बटोर सकेली उनका मिल सकेला 10-10 अंक। आपन जजिस से हम जानल चाहब के उ कवन दू मेम साहब के जोड़ी से गेम के राउंड की शुरुआत करे के चाहता। मेरी टीम की तरफ से नंदिनी जी और सीमा जी को खेलने के लिए बुलाना चाहूंगी। जोरदार तालियां नंदिनी जी और सीमा जी के लिए। तो आप दोनों के समय शुरू होता अब। स्टार्ट। सीधा फेंको दम सामने। अरे रे 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 रे। सारे बॉल बाउंस जा रहे दम सीधा फेंको सीधा दम सामने। हाँ। राइट लेफ्ट बोल सकती हैं आप। ओ हो 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 वाह वाह वाह। वेरी गुड। ठीक है सही। अभी दो पे हो जाइए। इतनी स्पीड में आप। दो पे हो जाइए। क्या बात है। एक पे हो जाइए। ठीक है ठीक। दो पे हो जाइए। थोड़ा और हल्का सा और फोर्स हल्का सा फोर्स। एक पे हो जाइए। वैसे ही फेंकते जाओ। ठीक है। और अभी आप दो पे हो जाइए। हाँ ठीक है। वेरी गुड। समय समाप्त। तो अभी गिन लेते हैं कि इन्होंने कितने गेंद को बढ़िया से पहुंचाया है। एक दो तीन दस ग्यारह और एक जो इन्होंने बॉल कैच किया था वो बाउंस वाली थी तो वो काउंट नहीं होगी। उसके हिसाब से इन्होंने 10 गेंद को कैच किया है। जोरदार तालियां दोनों मेम साहब के लिए। क्या कहेंगी रश्मि जी? सीमा जी क्या कर रही थी आप ऐसे पकड़ के क्यों खड़ी थी? पर बाद में आपने काफी अच्छी स्पीड पकड़ी। अगर वो एक बॉल बाउंस नहीं होती तो अच्छे से काफी सारी बॉल आगे आप बढ़ जाती और लास्ट में आई थिंक बकेट भी पूरा भर गया था तो आपके पास जगह भी नहीं थी। पर कोई बात नहीं आपने अपनी तरफ से पूरा अच्छा खेला। आप दोनों ने एक दूसरे का साथ बहुत अच्छा दिया। वेरी गुड। सीमा जी और नंदिनी जी आप दोनों ने बहुत अच्छा खेला। क्या बात। आइए तो अब हम चाहेंगे कि हमारी दोनों दूसरी जोड़ी यहां पर आ जाएं। तो आप दोनों का समय शुरू होता है अब। स्टार्ट। राइट 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 राइट। मुझे सुनाई नहीं दे रहा तो उनको कहां सुनाई देगा। राइट राइट। भाई भाई जल्दी करिए समझ जा रहा है। छीटो आगे ना बॉल कहां से। जोर से बोल के समझाइए। लेफ्ट में जाओ दो नंबर पे चले जाइएगा।
सीधा 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 फिर दो नंबर पे शर्मिला जी, नंबर टू पे, नंबर टू पे, नंबर टू, नंबर टू राइट में है, थोड़ा राइट 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 इधर, हाँ ज्यादा नहीं थोड़ा सीटों का हैंडल, बॉडी सीधा करो अपना, बॉडी सीधा राइट साइड। मैं आपको बता दूं कि दोनों के मार्क जो है आप दोनों में बटने वाले हैं। अंतरा जी बॉडी सीधा, अब बराबर जाएगा गेंद, देखिएगा अभी थोड़ा राइट साइड में फेंकना। वाह क्या बात है, थोड़ा आराम से फेंकना। टाइम अप। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अंतरा जी बहुत मुश्किल से सिर्फ तीन गेंद को अंदर पहुंचा सकी हैं। मधु जी क्या कहना चाहेंगी आप? कुछ कहने के लिए उन्होंने छोड़ा ही नहीं है मेरे लिए। आप इतना स्लो बोल रही थी, आप उनको प्रॉपरली इंस्ट्रक्ट ही नहीं कर पा रही थी। सुरमिला जी आपका सुर वहां नहीं पहुंचा और गाना अंतरा तक भी नहीं पहुंचा। रश्मि जी क्या कहेंगी आप? क्या खेला है आपने, आपने इतना अच्छा खेला कि मेरी टीम ने आपको दिखाया उसके बावजूद। ऑल द बेस्ट आगे के राउंड के लिए। ये बाल्टी जब हाथ में आ जाए तो ऐसा लगा था कि भाई जाके कपड़ा उपड़ा सुखाए के पड़े। खैर ठीक बा, जोरदार तालियां आप लोग लौटिए। तो क्या कहेंगे आप कि अगर हमारे दोनों जजेस ये गेम को खेलें, उनके बचपन की याद भी ताजी हो जाएगी, तो क्या कहेंगे जजेस आप? हम अभी भी बचपन में ही, आपने बुलाया हम तो वेट कर रहे थे, आप बुलाओ, हम वही डिसाइड कर रहे थे। ओके रश्मि जी तैयार? मधु जी तैयार? हाँ जी। आप दोनों का समय शुरू होता है अब, स्टार्ट। हाँ राइट राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। ओ गॉड, तो अभी देखते हैं कि रश्मि जी ने कितने गेंद को फेंका है और मधु जी ने कितना पकड़ा है। 1, 2, 9, 10, जोरदार तालियां। आइए प्लीज। थैंक यू। यही के साथ एक्सपर्ट खिलाड़ी राउंड आईजे समाप्त हो गई बा। अभी वक्त बा एगो ब्रेक के, आगे देखल जाई मेम साहब के ठुमका के कमाल। तो देखत रही एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिशवॉश बार, प्रेजेंटेड बाय बेस्ट फार्म गोगली बिस्कुट, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय कोलगेट, को पावर्ड बाय बजाज हेलमेट ड्रॉप। बाद एक बार फिर से आप सभी लोग के स्वागत बा। रउआ देख रहल बानी एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, प्रेजेंटेड बाय बिस फार्म गुगली बिस्कुट, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय कोलगेट, को पावर्ड बाय बजाज एलमंड ड्रॉप। और अब बारी बा हमनी के ऊ राउंड के, जेकर दर्शक लोग के बेसब्री से इंतजार रहेला, काहे कि ई राउंड में मेम साहब गिरावेली अदाओं की बिजली और मचावेली गर्दा। तो हमने के ही राउंड है, ये है जलवा। ये है जलवा राउंड में मेम साहब अपन डांस के जलवा दिखाई हन। परफॉर्मेंस के आधार पर केकरा कितना नंबर मिले के चाहिए ई तो हमने के जज लोग फैसला करी हन। तो अपन डांस से सबके दीवाना मस्ताना करे खातिर हम सबसे पहले बुला रहल बानी मुजफ्फरपुर के अंतरा चौहान जी के, इनके लिए जोरदार तालियां।
बहुत बढ़िया। रश्मि जी कैसा लगा आपको? मुजफ्फरपुर की लीची डांस करते वक्त अब नीचे देख रही थी कहीं कहीं, और लिपसिंग भी उतनी अच्छे से नहीं कर रही थी, एक्सप्रेशन ज्यादा नहीं दे रही थी। ये छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती है और प्रेजेंटेशन पूरा लगता है। आपने जितना डांस किया मुझे अच्छा लगा, लेकिन मुझे आपसे उम्मीदें ज्यादा है। प्यारी सी स्माइल, आप लग बहुत अच्छी रही हैं, डांस आपने अच्छा किया, और जो रश्मि जी ने आपको बताया है कि लिपसिंग देना ज़रूरी है, जब आप परफॉर्म करते हो तो लिपसिंग बहुत मैटर करता है, एक्सप्रेशंस बहुत मैटर करते हैं, और हंस के करोगे तो और अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना कि आप हंस के और लिपसिंग दीजिए। और अब मैं बुलाना चाहूँगा मुजफ्फरपुर की सुरमिला राय जी को। मधु जी कैसा लगा आपको सुरमिला जी का ये परफॉर्मेंस? सुरमिला जी मुझे लगा आप थोड़ी सी साड़ी में अनकंफर्टेबल थी, आपके पोस्चर से लग रहा था, और बार बार मैं साड़ी पकड़ के कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रही थी, और थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल भी मुझे आपका कम लगा। ये कंपटीशन है सो यहाँ पे हर राउंड की अहमियत है, कभी कभी क्या होता है वो एक एक आधा आधा मार्क भी मायने रखता है, सो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिए ये सब गलतियाँ आपकी ना हों। जी ये है जलवा राउंड में। अब तक मुजफ्फरपुर के दो मेम साहब अपन डांस के अंदाज दिखा चुकल बाड़ी, लेकिन धनबाद के दो मेम साहब के डांस देखल जाए अगला एपिसोड में। और अब एक नजर डाल लेवल जाए चारों मेम साहब के आज के मार्क्स पर। तो मार्क्स हमरा पास आ गए है। सुरमिला जी आपको मिले हैं टोटल 5। अंतरा जी आपको मिले हैं 15। नंदनी जी आपको मिले हैं 30। और अब सीमा जी सोच रही हैं कि उन्हें कितने मिले। सीमा जी आपको मिले हैं 20। इसका मतलब ये होता है कि नंदनी जी को सबसे ज्यादा मार्क्स मिले हैं और वो सबसे आगे चल रही है।
मुजफ्फरपुर और धनबाद शहर के चारों मेम साहब मुकाबला के पहला एपिसोड में बता देले बाड़ी कि ऊ यहाँ से सिर्फ और सिर्फ जीत के इरादा से आयल बाड़ी। इनकर हुनर, जोश और हौसला के उड़ान के साथ कल हमने लोग के फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक खातिर अपनी विनय आनंद की दी इजाजत और हमेशा मुस्कुराते हुए देखत रही एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर्ड एक्सपर्ट डिशवॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक, प्रेजेंटेड बाय बिस्फाम गुगली बिस्कुट, थोड़े से मन ना भरे बांटने को जीना करे, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ, पावर्ड बाय कोलगेट, कोलगेट डेंटल क्रीम नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट, को पावर्ड बाय बजाज एलमंड ड्रॉप, बाल मजबूत तो आप खूबसूरत। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।